बीमा इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि या जोखिम दूसरे पक्ष, बीमाकार या बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। आज का वीडियो है एको इंश्योरेंस के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप जो है अपनी बाइक, अपनी कार और अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे देखें। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अनलॉक टेक पर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस। आज का वीडियो भी कुछ इस प्रकार है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए यूज़र हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एको इंश्योरेंस। ये एक एप्लीकेशन है एको टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं अबाउट दिस ऐप में जाकर। यहाँ पर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये एप्लीकेशन क्या है, कब आया, कब लॉन्च हुआ, लास्ट अपडेट कब हुआ। ये रिलीज्ड हुआ 27 अक्टूबर 2019 को। आप इसके डाउनलोड देख सकते हैं। हम पीछे चल के ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ से लेगा। हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे हमारा। आप मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा। ये यहाँ से OTP देखिए फिल हो चुका है। OTP के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एको बाय इंश्योरेंस। आप ये तीनों इंश्योरेंस यहाँ से करा सकते हैं, कार, बाइक, हेल्थ। ऑनगोइंग आपका कोई अगर इंश्योरेंस चल रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। नीचे आपको गॉट अ न्यू कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, बाइक का और हेल्थ का इंश्योरेंस कर सकते हैं। आप ऊपर देख पा रहे होंगे राइट टॉप पर, यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन दिया हुआ है। हम इस पर जाएंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट अस के लिए एक ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर दिया गया है। हेल्प एंड सपोर्ट देख सकते हैं। आप अबाउट में जाकर जो है एको इंश्योरेंस एप्लीकेशन जो है उसके बारे में यहाँ से उसकी लीगल इंफॉर्मेशंस और सभी तरीके के नियमों को पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे हम। यहाँ सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको बाइक पर चलकर। हम बाइक पर क्लिक करेंगे, यहाँ बाइक पर जाएंगे। यहाँ से आपको जो है अपनी बाइक को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सर्च योर बाइक। हम यहाँ अपनी बाइक का नाम लिखेंगे। इसके बाद हमें नीचे लिखना है कि वह बाइक किस साल उठाई गई थी। हम यहाँ पर साल लिख देंगे। इसके बाद हमें लिखना है क्या जो करंट पॉलिसी चल रही है उसका स्टेटस क्या है। यहाँ तीन स्टेटस आते हैं। पॉलिसी आपकी एक्सपायर्ड नहीं हुई है, ये पहला है। एक्सपायर्ड हो गई है 90 डेज के अंदर है अभी, तो ये दूसरा है। और एक्सपायर्ड हुए हुए 3 महीने 90 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मेरे वाली कंडीशन में मैं सबसे लास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हम यहाँ व्यू प्राइसेस पे जाएंगे। व्यू प्राइसेस से पहले आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे आप देख रहे हैं IRDAI से लाइसेंस्ड है ये एप्लीकेशन। 4.5 करोड़ हैप्पी यूजर्स अभी तक हैं एको इंश्योरेंस के। 95% 5 रेटिंग इसको दी गई है गूगल फेसबुक द्वारा। और यहाँ पर एक रैंकिंग और है। हम यहाँ व्यू प्राइसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके लिए प्लान्स आ गए हैं। सबसे ऊपर आया हुआ है थर्ड पार्टी प्लान, जिसमें कि ओनली कवर्स थर्ड पार्टी लॉसेस, डैमेजेस टू योर बाइक इज नॉट कवर्ड। इसमें जो है सामने वाली पार्टी, जब आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज हो जाता है तो जिस सामने वाली पार्टी के साथ डैमेज हुआ है उसको अगर आपको प्रीमियम और बीमा कराना है तो आप थर्ड पार्टी पर जाएंगे। और अगर आपको कॉम्प्रेहेंसिव प्लान लेना है जिसमें दोनों को जो है पैसे वापस मिलते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड पॉलिसी कवरिंग डैमेजेस टू थर्ड पार्टी एंड टू योर ओन बाइक। यहाँ आप सी डिटेल्स पर जाएंगे। यहाँ से आप डिटेल्स पढ़ पाएंगे क्या क्या कवर होता है आपके कॉम्प्रेहेंसिव प्लान में। एक्सीडेंट्स, फायर, थेफ्ट, कैलमिटीज, थर्ड पार्टी लॉसेस,
पर्सनल एक्सीडेंट कवर इफ ऑप्टेड, और कवर जो नहीं होता है वो होता है नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, इलीगल ड्राइविंग, नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, ट्यूब्स एंड इंजन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के तहत आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम आपको यहाँ से दिखाएंगे, ये एडिट का एक ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ आप अपनी बाइक का जो है मैक्सिमम मिनिमम इंश्योर्ड वैल्यू को आप जो है चेंज कर सकते हैं। हम एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 12,000 लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप कम ज़्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम का जो है पैसा भी ऊपर नीचे होगा। जैसे हम इसको हाईएस्ट कर देते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 15,600, इसको हम अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है प्राइस चेंज हो गया है। यहाँ प्राइस हो गया है 2,395 प्लस GST। ये 3 साल का प्लान है, आप 2 साल का प्लान भी ले सकते हैं, आप 1 साल का प्लान भी ले सकते हैं। हम यहाँ 3 साल के प्लान पर क्लिक करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये भी आप ले सकते हैं इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 ईयर पर क्लिक करके बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जाने के बाद ये पहली एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर जो आपके RCA में नाम दर्ज है वो नाम आपको लिखना है। यहाँ से आपको अपना ईमेल लिखना है, मोबाइल लिखना है, मोबाइल यहाँ से क्योंकि हमने ऊपर से वेरीफाई कराया था तो यहाँ लिखा गया है। आपको यहाँ बाइक का नंबर लिखना है, पिन कोड लिखना है। इसके बाद लिखा हुआ है सिंस योर प्रीवियस पॉलिसी इज एक्सपायर्ड योर पॉलिसी विल स्टार्ट 3 डेज फ्रॉम टुडे। क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है पहले से एक्सपायर्ड है इसलिए इस पॉलिसी को जो है विद इफेक्ट्स एप्लीकेबल होने में 3 दिन का समय लगेगा और ये 2 फरवरी 2021 से यहाँ पे शुरू होगी। नीचे एक और टर्म लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्लेम विद इन 30 डेज ऑफ द एक्को पॉलिसी स्टार्ट डेट। अगर आप जो है एक्को पॉलिसी से क्लेम 30 दिनों के अंदर लेना चाहते हैं तो जो प्रीवियस ईयर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। यहाँ कंटिन्यू करने के बाद आप वेरीफाई फ़ोन करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से जो है पे कर देंगे। तो ये देखिए एक सिंपल सा आसान तरीका है किस तरीके से आप अपने बाइक की जो है कैलकुलेशंस यहाँ पर करके और उसका इंश्योरेंस इजीली यहाँ पे करा सकते हैं। इसके बाद हम पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ कार, कार पर आप क्लिक करेंगे। कार पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपके कार का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पर व्यू प्राइसेस के लिए आएगा, नीचे आप रेटिंग्स देख सकते हैं। प्राइसेस देखने से पहले आपको अपने कार का वेरिएंट, आपके कार का मॉडल जैसे ही आप डालेंगे तो ये उसके लिए रिव्यू के लिए जाएगा और रिव्यू पर जाने के लिए जो है इसके बाद आपको ये यहाँ से कैलकुलेशंस को देगा। आगे आप देख सकते हैं हेल्थ के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर ये पूछ रहा है 3 स्टेप्स यहाँ पर पूरी होंगी कि आप इंश्योरेंस किसके लिए कराना चाहते हैं, मायसेल्फ, स्पाउस, डॉटर, सन। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको अलग अलग पॉलिसीज आ जाएंगी और ये क्योंकि एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसके माध्यम से हम जो है घर बैठे आसानी से बहुत ही कम समय में अपने इंश्योरेंस को बाय कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर सारी पॉलिसीज हैं, आपको अगर ये पॉलिसी समझ ना आए तो आप आगे जाकर जो है इस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल ये एप्लीकेशन है। मैं आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन, मेरा वीडियो, दोनों चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज।